पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखते हुए फेज़ 7 ऐसा फेज़ है जो पिछले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में आपको पॉजिटिव नज़र आता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके, यहाँ की प्राइसेस को लेके, ऑन ग्राउंड सिचुएशन को लेके, चाहे आप यहाँ एज अ बिल्डर इन्वॉल्व हैं, अपना प्लॉट लेके वहाँ घर बना के अगर बेच रहे हैं उसमें आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, आप अगर प्लॉट लेके ही उसको एज एन इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। हर आने वाले दिन के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल फूड चेन का आना आपको नजर आता है, पेट्रोल पंप्स का बन जाना, मस्जिद की तमीर, पार्क की डिवेलपमेंट, ये सारी वो डिवेलपमेंट हैं जो फेज 7 के रेट को नीचे नहीं आने दे रही, इनफैक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शुजात इकबाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DHA लाहौर फेज़ 7 की। और फेज़ 7 को अगर हम पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में देखें, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करता रहता हूँ, तो फेज़ 7 में आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है डेवलपमेंट को लेके, यहाँ की प्राइसेस को लेके, ऑन ग्राउंड सिचुएशन को लेके, चाहे आप यहाँ एज अ बिल्डर इन्वॉल्व हैं, अपना प्लॉट लेके वहाँ घर बना के अगर बेच रहे हैं उसमें आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, आप अगर प्लॉट लेके ही उसको एज एन इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इन माय ओपिनियन आजकल की जो रियल एस्टेट की सिचुएशन है उसमें फेज़ 7 एक वाहिद फेज़ है, एक मेरे ख्याल में ये वो सर्टन फेज़ है या सर्टन ब्लॉक है या पूरे DHA लाहौर, पूरे DHA, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखते हुए फेज़ 7 ऐसा फेज़ है जो पिछले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में आपको पॉजिटिव नज़र आता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। मुल्की हालात आपके सामने हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हो जाए या कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए, उसमें आपको डाउनवर्ड ही सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन फेज़ 7 में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी नज़र आती है। आज से सिर्फ 6 महीने पहले की हम बात करें तो फेज़ 7 के W ब्लॉक, S ब्लॉक या जो भी अच्छे ब्लॉक्स हैं उसमें तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का जंप या 30 से 35 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आपको नज़र आता है प्राइसेस को लेके। अच्छा खासा ये इम्प्रूवमेंट है, अच्छा खासा प्राइस इंक्रीमेंट है बाकी फेजेस की निस्बत। फेज़ 9 प्रिज्म की आप बात करें, पूरे फेज़ 11 की बात कर लें, फेज़ 8 की बात कर लें, कहीं भी आपको ये पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। फेज़ 9 टाउन की आप बात कर लें, वहाँ भी रेट या तो रिवर्स हुए हैं या रुके हुए हैं, लेकिन फेज़ 7 में इतने वर्स्ट हालात में भी आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, रेट प्लस होते हुए नज़र आते हैं। और रीजंस अगर हम इसकी बात करें तो बड़ी सर्टन रीजंस हैं, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, हर आने वाले दिन के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल फूड चेन का आना आपको नज़र आता है, पेट्रोल पंप्स का बन जाना, मस्जिद की तमीर, पार्क की डिवेलपमेंट, ये सारी वो डिवेलपमेंट हैं जो फेज़ 7 के रेट को नीचे नहीं आने दे रही, इनफैक्ट बढ़ता हुआ नज़र आता है। किसी एरिया में रेट स्टेबल है जबकि किसी एरिया में रेट बढ़ता हुआ भी नज़र आता है। कमर्शियल एक्टिविटी की आप बात कर लें, रेजिडेंशियल एक्टिविटी की आप बात कर लें, तो हर लिहाज से ही आपके जो प्लॉट्स हैं या आप प्लॉट अगर बाय करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको प्लस में ही जाते हुए नज़र आएंगे। फेज़ 7 से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप यहाँ प्लॉट ओन करते हैं, आप यहाँ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, इस एरिया को ऑन ग्राउंड देखने के लिए या अपने प्लॉट्स की असेसमेंट लेने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।